ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के ज़िलों में दिमागी बुखार से मरने वालों के बच्चों की तादाद बढ़ते ही जा रही है। जहां मासूम बच्चे अस्पताल के बेड पर दम तोड़ रहे हैं तो वहीं लाचार माँ बाप अपने बच्चों को मरते देख उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। जहां एक तरफ अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की कमी है तो वहीं मासूम बच्चों को लेकर परिजन अस्पताल में दौड़ रहे हैं। ऐसे सभी नेता अस्पताल के दौरे कर रहे हैं, मगर आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पताल का दौरा किया तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल में ही परिजन मुझे मार दो कहते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन के पीछे चल पड़े। गुस्सा होना तो लाजमी है, इस दिमागी बुखार से 93 बच्चों की मौत हो चुकी है और न जाने कितने बच्चे अभी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं किस तरह से युवक अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहा है। दो महीना से हम पड़े हुए हैं, हमारे भाई छोटा छोटा बच्ची है, आईडिया नीचे करिए, हमारी भाभी यहाँ पे पड़ी हुई है, आईडिया नीचे करिए, यहाँ नीचे करिए, क्या हो गया इनका, घर में कमाने वाला है, लगाइए लगाइए, अरे भैया इनका क्या है, दो महीने से हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, बताइए भाई को लेकर के मैंने ब्लड दिया हूँ, हमारा छोटा भतीजा है वो ब्लड दिया और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, बताइए सारे मीडिया यहाँ पे आते हैं, देख के नेता लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, बताइए आप लोग क्या करें, हमको ये तो हमको भी जान से मार दे, हमको जान से मार दे, कैसे लगा आपको, मैं भी मर जाऊंगा आपको, समझे, यहाँ से डॉक्टर रेफर कर देंगे, कहेंगे कि मीडिया वाले को आप क्यों बोले, समझे, मैं हाथ पकड़ा रिक्वेस्ट किया, उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ नेता, बोलिए मारा कौन है आपको, मारा कौन है, छोटा मारा कौन है आपको, एक मिनट साल हुए भतीजी है मेरा, समझे, मारा कौन है, मारा कौन है, मैं रिक्वेस्ट किया हूँ लेकिन सुना नहीं है मेरा बात, नेता से समझे, भतीजी और आई सकते हैं उससे मैं पूछूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ, पैर पकड़ा हूँ हाथ जोड़ कर, मंत्री जी से क्या बोल रहे हैं आप, मंत्री से बोला हूँ कि देखिए जरा हमारे पेशेंट को, समझे, लेकिन वो सुने नहीं है, मंत्री जी कोई जवाब दिया है कि नहीं दिया, कुछ नहीं बोले, चलते बन गए, समझे, गुंडा बहरा की जैसे, कितना दिन से इलाज नहीं हो रहा, दो महीने से हूँ, आधा ही होता है, देखिए आप देखिए खुद ही देखिए क्या हाल है, समझे, दो महीने से यहाँ पे बैठा हूँ लेकर के। डॉक्टर हर्षवर्धन मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ अश्विनी चौबे भी थे। उनके सामने ही लोगों ने हंगामा किया और युवक अर्धनग्न हो गया। हंगामा की वजह थी कि मरीज अपने भाई को मंत्री से देखने की जिद कर रहा था, मगर मंत्री जी ने उसका हाथ झटक दिया और दूसरे वार्ड की तरफ जाने लगे, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।